नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल gaze.09 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे पास में कार आई हुई है Hyundai i10। इसमें क्या है, जो साउंड आपने सुना होगा, जो कि ये गाड़ी मशहूर होती है साइलेंट इंजन के लिए, पर ये स्पोर्ट्स कार बन चुकी है। अब वो क्यों बनी, वो आपको वीडियो के पहले हमने दिखाया है और आपको डिटेल से दिखा देते हैं ऐसा क्या कारण है कि इसमें ऐसा साउंड आ रहा है। तो इस पे साइलेंसर के पास में ले जाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। अब जैसा कि आप ये देख पा रहे हो, ये जो पाइप है, यहाँ पर पहले भी जुगाड़ करने की कोशिश करी पर ये चला नहीं, क्योंकि ये यहाँ से रस्ट लग के ख़राब हो चुका है। अभी ये दिख रहा है, ऐसे ये पूरी लाइन है, ये यहाँ तक जहाँ से जॉइंट जुड़ा हुआ है पूरा खुल चुका है। अभी क्या करेंगे, इस साइलेंसर को पूरा ही चेंज करेंगे। तो गाड़ी को वर्कशॉप पर लेते हैं और फिर इसके साइलेंसर को खोलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कौन सा डालना है और फिर इसकी आवाज़ किस तरह से आती है, क्या वापस साइलेंट होती है या नहीं, देखने के लिए पूरा वीडियो देखें। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कार को वर्कशॉप पर ले लिया है और साइलेंसर को हमने खोल लिया है। अब इसकी हालत आप देख सकते हो, इसमें रस्ट लग गई है, ये पूरा डैमेज हो चुका है। अब इस पर हम वेल्डिंग भी करवाना चाहें पर वो ज़्यादा कामयाब नहीं होगा, इसलिए हमने क्या करा, साइलेंसर को नया डाल दिया। तो इसका पीछे वाला मुँह दिखाते हैं, जो कि इस तरह से यहाँ पर भी छेद है, यहाँ पर भी चला गया यहाँ से मुँह इसका। अब इसको नया हमने जो लगाया है वो आपको दिखाते हैं, उसकी लोकेशन कहाँ है। जैसे कि आपको दिख रहा होगा, साइलेंसर का आगे वाला पार्ट यहाँ पर लगा होता है, इसको खोलने के लिए थोड़ी परेशानी ही होती है। बाकी इसको हमने खोल लिया है और लगा भी दिया है, आपको दिखाई भी रहे। जब भी आप डालना चाहें तो इन दो बोल्ट को ओपन करना रहेगा, फिर पीछे आएंगे तो ये लगे हुए हैं, इनको खोलना रहेगा। ये क्या करते हैं, जब भी गाड़ी खड्डे में जाती है तो ये सस्पेंशन का काम कर लेते हैं, रबड़ के होते हैं तो आवाज़ नहीं करते। अब फिर पीछे की तरफ आपको दिखाते हैं, अब आपको पीछे की तरफ जहाँ पे इसका जॉइंट होता है वो आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पर जो ये क्लिप लगी हुई है, जो कि हमने उस पुराने वाले साइलेंसर में दिखाया था, उसका यहाँ से मुंह सड़ रहा था, अभी इसको भी हमने लॉक कर दिया है। अब इस गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और आपको इसका साउंड सुनाते हैं। अब कार को स्टार्ट करते हैं और आप आरपीएम मीटर पर नज़र रखिएगा और फिर इसका साउंड सुनते हैं। अब ये गाड़ी स्टार्ट है, पहले भी इतने ही आरपीएम हम दे रहे थे गाड़ी को और गाड़ी का साउंड ऐसा आ रहा था जैसे कोई स्पोर्ट्स कार हो। अभी ये एकदम साइलेंट हो चुकी है, अब इसका बाहर से भी इसका साउंड सुनते हैं। एक बार बाहर चलते हैं फिर आपको दिखाते हैं। तो स्पष्ट रूप से दिखाने के लिए आप देख सकते हो अल्टरनेटर घूम रहा है, मतलब गाड़ी अभी स्टार्ट है। अब मैं एक बार और एक्सीलेटर देता हूँ, कम से कम 3000 आरपीएम पर लॉक करूँगा, फिर आप इसकी आवाज़ सुनेंगे। जैसा कि आपने सुन ही लिया होगा, इसकी आवाज़ किस तरह से आ रही है और पहले जो आपको वीडियो में दिखाया था इसकी आवाज़ कैसे थी, बिल्कुल एक स्पोर्ट्स कार जैसी थी। और अभी ये एकदम साइलेंट हो चुकी है, जिस तरह से इसको होना चाहिए। और इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, धन्यवाद। और आपका कीमती सुझाव कमेंट बॉक्स में देते रहें, ताकि हमें और मोटिवेशन मिलता है कि इस तरह से वीडियो बनाना है, और कुछ कमी हो तो भी आप उसमें ज़रूर लिखें।